अगर जरा सुनू करूंगा ना तो हाथ मार जाएंगे बात। हाँ भाई क्या हाल हो रे। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल लेके तुम्हें समझ ही आ गया होगा आज क्या होने वाला है। मतलब यार वीडियो के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मेरे प्यारे प्यारे बाल कट जाएंगे आज यार। आई बाल, आई मिस यू सो मच। ये बाल दे यार मेरे टप्पू की तरह ना दे, उड़े उड़े थोड़े से उड़े। जो भी है मतलब बचपन में जब मैं टप्पू जीता था तो मैं टप्पू की तरह फूंक मार के उड़ाया करूं था। लेकिन आज एक वीडियो के चक्कर में मैं गंजा होने वाला हूँ यार। इतने सारे बाल, इतने अच्छे अच्छे बाल थे यार मेरे, सारे कटवाने वाला हूँ मैं यार। देखो मुझे बिल्कुल भी अच्छा तो लग नहीं रहा। लेकिन यार जब व्यूज नहीं आते ना कंटेंट पे चैनल पे तो देखो बहुत सारी चीजें आजमानी पड़े। अब यार देखो मुझे पता है तुम मेरे बालों को बहुत मिस करोगे। हाँ मैं भी अपने बालों को बहुत मिस करूंगा, मेरे घर वाले भी मेरे बालों को बहुत मिस करेंगे। लेकिन अगर तुम मेरे बालों को मिस करोगे तो मेरी पुरानी वीडियो देखो यार, जाकर उसमें मेरे बाल ऐसे ही है जुगे तू ऐसे ही। अगर तुम मेरे बालों को मिस करो तो मेरी पुरानी वाली वीडियो जाके देखियो, बिल्कुल जरूर देखिए जाके देखियो। भाई देखो बाल कटवाने से मुझे एक बात याद आई, जैसे कि जब ये लॉकडाउन लग रहा था तो किसने भी नाई पे जाके बाल ही नहीं कटवाए। मतलब सबको डर लगा था कि कहीं मैं नाई पे जाऊं और वो अपना गंदा सा कपड़ा लगा दे और उससे कहीं हमें कोरोना ना हो जा, हो कभी हमें कोरोना हो जा। तो भाई देखो किसने भी नाई के पास जाके तो बाल कटवाई नहीं, सबने कभी तो खुद काट ली कैंची से, कभी कभी हमने पापा पापा से कटवा लिए, कभी मम्मी से कटवा लिए। तो देखो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही सीन हुआ था। तो लॉकडाउन में मेरे बाल हो गए थे भाई साहब बहुत बड़े, मैं कह रहा इनसे भी बड़े, ये यहां तक आ रहे ना देखो कहां तक आ रहे भाई साहब, यहाँ तक आ रहे बेकार हुए पड़े बाल। हाँ तो भाई मेरे इससे भी बड़े हो गए थे, शायद मेरे मुंह तक आ रहे थे, मैं ना खा रहा था नहीं कह रहा था, मजाक कर रहा था। हाँ तो भाई जो मेरे पापा हैं उन्होंने मेरे बाल कटे थे। अरे जी भाई साहब उन बाल को कटवा के ना मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था भाई साहब दूसरी तीसरी क्लास का सिंपल सीधा बच्चा जिसे कुछ नहीं पता, नहीं मतलब जिसे कोई दुनिया का कोई नहीं है कि हाँ भाई क्या दुनिया में क्या चीज हो क्या नहीं होती, कुछ नहीं पता, इतना सिंपल लग रहा था। मैं फोटो दिखा दूंगा तो मेरे को जोरी, ये देखो कोई देख के कह सके मैं 17 साल का बच्चा लग रहा है इसमें। भाई साहब मैं सही बता रहा, मुझे तो बहुत ही बच्चा लग रहा था मैं, कि जैसे भाई पता नहीं कितना छोटा बच्चा, कितना स्वीट सा बच्चा खड़ा हो। अरे भाई जैसे कि मैंने तुम्हें बताया मुझे तो वे बाल बड़े अजीब से लग रहे थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा अब लग रहा है ना हमारा बेटे के बाल बढ़िया। मगर मम्मी ये तो कैसे भी नहीं लग रहे, चुप कर तू, बहुत अच्छे लग रहे तुझे पता हमें पता, ऐसे ही बाल अच्छे लगे तेरे पे, नाई से कही ऐसे ही बाल कटवाएगा। मगर अच्छा ऐसे टिड्डे मिड्डे से बाल कटवाएगा नुको, हाँ ऐसे ही। मगर अच्छा तो भाई अगली बार जब मैं नाई के पास बाल कटवाने गया ना वो भी नु कह रहा अबे ये कैसे बाल कटवा रखे तूने, टिड्डे मिड्डे से किससे कटवाए तुमने। अरे मैं मगर किसका नाम लू मगा भैया मैं रोड पे चला गया था, रोड पे एक नाई मिल गया था उससे बाल कटवा लिए थे मैंने, वो बहुत अच्छे कटे ना उनने नुको, हाँ बहुत ही अच्छे कटे। अरे मैं भाई देखो तुम्हें हर बार की एक बात बताऊँ, मैं जब भी नाई के पास जाऊँ ना और मैं जब भी बाल कटाऊँ मगा भैया जो मेरे बाल ये तो कोई नीचे को नू गिरे हुए ना इन्हें यार किसी तरह ऐसे कर दियो सीधे, जो मतलब बिल्कुल भी ये गिरे ना। लेकिन मेरे बाल जब तक मैं बाल कटवा गया हूँ था जब तक तो ऐसे खड़े रहे तो मगा बढ़िया लग रही है, जैसे मैं नहा धो के बाहर निकलूँ था फिर गिर जाते। मगा यार ये तो मेरे साथ धोखाधड़ी चला, ये मेरे बाल मैं समझ गया था उस दिन के बाद, आखिरी बार मैं समझ गया कि भाई मेरे बाल ये खड़े होने के लिए बने ही नहीं, मेरे बाल ना ऐसे ही हैं जो गिरे रहे हैं। तो बस मैंने वो चीज एक्सेप्ट कर ली और अब मुझे यही बाल अच्छे लगते हैं यार। अब कोई मेरे से ये बाल छीन रहा है, तुम लोग नहीं सोचने तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं खुद अपने आप से ये बाल छीन रहा हूँ वो भी एक वीडियो के लिए। भाई यार मैं मतलब मैं कैसा हूँ यार, अपने बाल ही कटवा रहा हूँ यार वो भी एक वीडियो के लिए, लेकिन व्यूज के लिए कुछ भी। खैर देखो मुझे बकबक करते बहुत देर हो गई थी तो मैं चला गया था बाल कटवाने, लेकिन जब मैं गया सलून में तो देखा मैं तो बाहर से देख लिया, मैं तो अंदर भी नहीं गया, मैंने बाहर से देखा भाई अंदर बैठे 4-5 आदमी और अच्छे खासे हट्टे कट्टे, वे भाई साहब मुझे देखते तो मगा यार मैं कैसा अर्जी वे वे वे, वे तो मैं शर्मा के वापस आ गया है। हाँ तो अभी मैं फिर से वापस आ गया, तुम्हारा फिर से दिमाग खा रहा हूँ, लेकिन अभी हम थोड़ी देर में 5-10 मिनट बाद फिर से जाएंगे और बाल कटवाएंगे। यो क्या हुआ था तो देखो अभी अंधेरा दिखा था तुम्हें, मुझे तो लगा था क्योंकि ऐसा लगा कि लाइट एकदम जल बुझ हुई, तो बताइए मुझे, वैसे मैं खुद देख लूंगा तुम क्या बताओगे, तो अब मैं क्या करूँ यार तुम्हारे साथ। अरे हाँ देखो यार मुझे तुम्हें एक चीज और बतानी थी, मेरे यार बाल ना बहुत ही ज्यादा हल्के हो गए भाई, मैं देखो अब अगर जरा करूंगा ना तो हाथ मार जाएंगे बाल। देखो आगे अगर तुम्हें दिख रहे हो, दिख रहेगा तुम्हें भाई, तुम्हें दिख रहे नहीं दिख रहे भाई, तुम्हें नहीं दिख रहे लेकिन मुझे दिख रहे, ठीक है मैंने बहुत फोकस करके देख लिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दिखा पा रहा हूँ, कैमरा इतना सफल नहीं है जो दिखा पाएगा। तो जो भी है मैं तुम्हें वही बता रहा, बहुत मेरे बाल गिरने शुरू हो गए इतनी सी उम्र में भाई। देखिए मुझे अब यूट्यूब पे जाके नुस्खे देखने पड़ेंगे, बाल को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, अपने बालों की जड़ें कैसे तेज करें, या फिर वो ऐड देखना पड़ेगा, पता नहीं कौन सा क्लिनिक प्लस का ऐप इसका जिसमें वो कहवे बड़े बड़े सीनियर्स हो गए अब एक छोटा पैकेट, वो कहवे अच्छा बड़ा पैकेट है, मतलब उसके बाल स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन उसके बाल स्ट्रॉन्ग है, तो उसने बड़े को अपने एटीट्यूड दिखाया, हाँ भाई तू बड़ा पैकेट है,
तो अंदर जाके उसकी बहुत कुटाई हुई, तो वो हम उन्हें ऐड वालों ने दिखाया नहीं, लेकिन गलत बात है, ऐड वालों को पूरी सच्चाई दिखानी चाहिए। ऐड वाले हमें छलावे में छोड़ के चले जाते हैं, हम कोई बच्ची ऐसे जाके किसी को कहने लग जाए अंदर जाके उनकी कुटाई हो जा, तो यार यो थोड़ी अच्छी बात है यार, ऐड वालों को समझो, कुछ अपना कर्तव्य समझो दुनिया के प्रति। तो यार बहुत देर होली मुझे बकबक करते करते, मैं भी खुद थक गया यार बोल बोल के, तो अब मैं बैठ गया यार, तो अब यार अब मैं तो चल के देख रहा जितने लोग होंगे देखी जाके शर्म कैसी कैसी। वैसे एक घंटा हो गया जब से, तो भाई मैं बाल कटवाने को जैसे नीचे उतरा, मगर मम्मी मैं जा रहा बाल कटवाने, तो मम्मी कहने लगी नाश्ता नहीं करता, मैं आगे कर लूंगा, तो मम्मी कहने लगी क्या पता तुझे वहां कितनी देर लग जा, मैं कहा जो बात भी ठीक है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो हाँ मम्मी ने मुझे नाश्ता दे दिया। मतलब तुम देख रहे हो दोपहर के, मतलब दोपहर के 12 बजने वाले, दोपहर के 12 बजे तो मेरा नाश्ता चले है, लेकिन भूख अभी लगे यार, मतलब 10-11 बजे सो के उठा यार, उठते साल तो कुछ खाया नहीं जाता, तो इसलिए मैं 12 बजे खाता हूँ नाश्ता। चलो नाश्ता खा खू के चलते हैं। तो यार नाश्ता मैंने खा लिया है और यार अब पेट में इतनी एनर्जी आ चुकी है ना, अब मैं गंजा होने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। पहले मैं थोड़ा सा नर्वस था, अब इतनी एनर्जी आ चुकी है खाना खा के, अब तुम्हारा भाई गंजा हो के आएगा। भाई सड़क पे ऐसे व्लॉग करते हुए जमा मुझे थोड़ी सी इमो सी हो, मैं मुझे थोड़ा बहुत इमो हो जाऊँ मैं, लेकिन अब इतनी तगड़ी आदत पड़ रही है कि अब मुझे किसी की वो नहीं है, कोई कितना ही मुझे देख के चला जाओ अब मैं शर्माता नहीं बिल्कुल भी। नमस्ते, ये तो वो है ट्राइबोर्डर का ब्लॉगिंग 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 क्या हो मतलब वो तो कैमरा चला रहा है, मतलब वीडियो बना रहा है हमारी। अच्छा अंकल टू स्टार वाल में टू स्टार वाल में गंजो हो ना? हाँ गंजो तीन वीडियो बनानी। हाँ 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 1 2 3 come on मैं ही बनाऊं? अरे नहीं नहीं वो चलो कोई नहीं, वो तो बना दूंगा, लेकिन मैं आपको सारी वीडियोस भेज दूंगा, आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। हाँ ले तो लिया 55 55 22 था मेरी में। तो भाई मैंने तुम्हारा बहुत ही अच्छी तरह पागल बनाया है ना, मैं गंजा नहीं हुआ, क्लिक बेट टाइम। लेकिन देखो मैं तो गंजा होने गया था, लेकिन अंकल कहने लग गए अंधेरा क्यों हो जाए, लेकिन अंकल कहने लग गए तू गंजा अच्छा नहीं लगने का बिल्कुल भी। तो मैं कहा यार अंकल कह तो सही रहे, तुम छोटे कर दो बाल, चलो गर्मी नहीं लगने की, तो अंकल ने छोटे कर दिया। अंकल को मेरा ख्याल है, वैसे सही कह रहे थे गंजा में अच्छा नहीं लगता, फालतू में गंजा हो जाता, फिर तार बाद में कि यार फालतू में गंजा हो गया। भाई अंकल जी कह रहे मुझे बताइए कैसे बनेगा यूट्यूब चैनल, मैं भी बनाऊंगा यूट्यूब चैनल, मैं भी वीडियो डालूंगा। मैं कहा अंकल जी डालो, यूट्यूब सबके लिए खुला हुआ है। तो भाई देखो एट दी एंड मैंने करा लिए बाल बिल्कुल छोटे, यार जो कि यार मुझे सही लग रहा है यार, कितने सही बाल लग रहे मेरे, पहले यार पता नहीं कैसे यहाँ तक आ रखे थे, छह गंदे लगे थे गर्मी में, मैं तो ये बता रहा हूँ मेरे से लेटा सोवा बैठा कुछ भी नहीं जा पाता उन बालों से, लेकिन अब थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है। चलो भाई अब मैं थोड़ा नहा धो के आऊँ, और बाकी शायद ब्लॉग को खत्म करने का टाइम आ चुका है अब तो, मैंने मुझे कुछ लगता नहीं ब्लॉग में कुछ रह गया हो, अब तो मैं ना के अम्मा नहाते हुए नहीं दिखाने का, मैं तुम्हें जैसे बाल कटते हुए दिखाया। हाँ तो बस फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर तुम वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, और यार दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को। तो यार बस मैं शो मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।